छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आने लगा है। अंबिकापुर के मैन पार्ट में जमीन फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने 112 एकड़ जमीन के फर्जी पट्टे को निरस्त कर दिया है। वहीं इस मामले में 3 पटवारियों और 2 राजस्व निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल उरंगा बरिमा और कमलेश्वरपुरम गाँव में शासकीय जमीन को जमीन माफिया ने अपने नाम करा लिया था। ग्रामीणों ने 3 महीने पहले इसकी शिकायत कलेक्टर के पास दर्ज कराई थी। हम पूर्व में अटल यादव के नाम से शिकायत किए थे, उसके बाद में जांच हुआ तब पता चला कि उसके नाम पे तो नहीं था, किंतु उसकी माताजी श्रीमती बुटकी यादव उर्फ सुभद्रा उसके नाम से पता चला और उसका भाई हरिओम के नाम से पता चला। और साथ में ही हमारे यहाँ हमारे ग्राम पंचायत के कुछ 5-6-7 लोगों का नाम भी उसमें है जो वन अधिकार पट्टा बना हुआ है। इसके बाद जो उनका जवाब आया, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं पाया गया, तो एक तरह से माना जा सकता है कि जो फर्जी पट्टे के आधार पे या किसी तरह का कोई ऐसा पट्टा जो जिसका कोई प्रूफ नहीं था, कोई शासकीय जिसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था, उस तरह के 112 हेक्टेयर का जो भूमि है वो आज शासकीय मद में दर्ज कर दिया गया है।